So what's going on bro, Sivan this side, hope you're having good day, vibing and chilling. So आज की शुरुआत हो रही है प्रोटीन शेक के साथ और प्यारी सी धूप. अभी जस्ट वर्कआउट फिनिश करके आया हूँ और प्रोटीन पी रहा हूँ. तो आज की जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है हमेशा की तरह, आपको पता ही है क्या बोलता हूँ मैं, तो बहुत ही तगड़ी होने वाली है. तो पहले मैं ज़रा प्रोटीन पी लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा बाइक पर. सो भाई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पेट्रोल पंप से, क्योंकि एक चंपा गली में बिल्कुल भी तेल नहीं है, एक डंडा है यार इसमें. तो भाई अब निकल रहे यहाँ से सीधा आगे, चंपा गली में डलवा लिया है तेल और अब निकल रहे हैं सीधा. तो भाई पहुंच चुके हैं बिल्कुल अब पहाड़ी वाले एरिया में, यहाँ पे संभल के चलेंगे. और ये हैंड पंप आपको जगह जगह दिख जाएंगे रोडों में, हर जगह में, पहाड़ में हर 15-20 किलोमीटर में किसी ना किसी गांव में हैंड पंप लगा होगा. भाई यहाँ तो बहुत ही तगड़ा सीन हो रखा है. तो भाई अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ज़्यादा देर गाड़ी चलाते हुए तो हुए नहीं है, अभी मुश्किल से 30-35 मिनट हुए होंगे. और ये रहा प्रियांशु, सारी मेरी सारी वीडियो में ये सिर्फ एक वीडियो को छोड़ के. और भाई जी आज फिर से आ गए हैं और आज हम फिर से निकल चुके हैं अपनी एक और तगड़ी जगह. तो यार ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि लेट ऑलरेडी हो रहा है, तो सीधा निकलते हैं. रोड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पतली है और जगह जगह स्किट होने का चांसेस है, क्योंकि भाई पतला व्यू दिखाने के चक्कर में कुछ और ही व्यू दिख गया नीचे जाके. जगह है तो बड़ी प्यारी भाई, ऐसी बात नहीं है. तो भाई अभी आप लोगों से हेलमेट उतार के बात करता हूँ. बिल्कुल अभी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं. वो वाली बात कौन सी थी, वो क्या आसमान की ऊंचाइयों में, हाँ आसमान की ऊंचाइयों में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा. आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कोहरा ही लगा हुआ है भाई मेरे चारों तरफ. सीन दिखाऊं एक बार, ये कितना खतरनाक है मेरे पीछे. तो भाई हम उस वाली जगह से बाहर निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की था वहाँ पे. यहाँ तो भाई अलग ही मौसम रहता है, पहाड़ों साइड आप आ जाओ यहाँ आपको हमेशा धुंध ही दिखेगी मोस्टली. वो रखी है भाई, ओबे भाई मेरे बच गया. क्या हुआ है? पता नहीं और बैंक करवा देख भाई, पूरी रोड ही गायब. भैया मैं तो टूट गया भाई, पूरी रोड टूट गई है. तो तू क्या टूट गया? तो भाई अभी हम जस्ट यहाँ पहुंचे और यहाँ पे देखो रोड के क्या हाल हो रखा भाई, पूरी भाई साहब ये तो पूरी रोड ही गायब हो रखी है भाई. वहां से आ रहे थे हम और यहाँ पूरा ये नीचे जा रखी है रोड पूरी टूट के, इसलिए अल्टरनेटिव बना रखा है बगल से. अंकल जी कद्दू खाल के रास्ते किधर है, ये वाला? ठीक है थैंक यू. हम निकल गए थे गलत वाले रूट पर क्योंकि हमें पता था नहीं कि कद्दू खाल का रास्ता किधर से जाता है. तो भाई हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही गए हैं और आप मेरे पीछे व्यू चेक कर सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा हाइट में आया हूं. और अभी इससे ऊपर चढ़ेंगे और आपको वहां से व्यू दिखाएंगे. चलो भाई अब मैं अपना ड्रोन उड़ाता हूं. ओ, 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 ओ,
जे तेनू धूप लगे आवे तां मैं छांव बन जावा तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं तेरा बन के रहूं सदा मैं परछाऊं।